Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूं एक ट्रेंडिंग उर्दू रिलिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो यहां पे मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। आज जाओ ना बेच। तो जैसे कि हमने डेमो वीडियो में देखा, इस तरह का गाइस स्टेटस है इसकी। गाइस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये किस तरीके से क्रिएट होता है और अच्छे खासे गाइस व्यूज भी आ रहे। तो मैं गाइस आपको बताऊंगा कि इसको अपने मोबाइल के ऊपर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देख लेना है। तो चलिए गाइस मिनट में इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी। देन गाइस आपने यहाँ पे 9.16 की गई जो स्क्रीन चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको एक वीडियो ऐड कर लेनी। कोई सी भी गाइस आप यहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऐड करी है, तो वीडियो जो किस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली जो कि कुछ इस तरीके की है। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको एक ऑडियो यूज़ कर लेनी है। तो एक ऑडियो ऐड कर लेता हूँ। तो ऑडियो जो किस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है जो कि गाइस एक क्वाली है। अब गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको रिलिक्स ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट वाला गाइस जो सब मैं रिलिक्स है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देन मैं गाइस इसको इक्वल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गाइस आपने यहाँ पे एक फोन है वो गाइस आपको ऐड कर लेना। तो जो सा चाहे मर्जी गाइस आप यहाँ पे फोन ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं यूज़ करूँ यही गाइस यहाँ पे अच्छा लगेगा। अपने पसंद से गाइस आप जो सा चाहे मर्जी यहाँ पे जो सा फोन है वो गाइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब गाइस आपने जो सा इसका साइज़ है वो गाइस आपको एक दफ़ा एडजस्ट कर लेना है, जितना भी गाइस आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैं जो सा इसको 36-40 के करीब रख लेता हूँ। देन मैं गाइस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं गाइस जो से इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहाँ पे भी गाइस आप ऐड करना चाहें वहाँ पे गाइस आपने इसको ऐड कर लेना है। तो कुछ तरीके से गाइस जो से इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। अब गाइस मैं यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे गाइस एक मैं लेता हूँ ये कलर, तो इसको गाइस मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। देन मैं गाइस यहाँ पे जो सा इसका कलर है वो गाइस मैं ब्लैक चूज़ करके यहाँ से गाइस जो से इसकी ओपेसिटी है वो गाइस मैं यहाँ से हल्की कर लूँगा। हल्की करने के बाद इसको गाइस जो सा मैं वीडियो के ऊपर ऐड करूँगा और बाकी सारी चीज़ों को गाइस नीचे की तरफ ऐड कर लूँगा, जो कि गाइस हमें जो सा होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। अगर गाइस रिलिक्स हमारे ज़्यादा क्लियरली नज़र ना आए वीडियो के ऊपर तो इस तरीके से गाइस हम जो सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑडियो को प्ले करना देखना पैरालिक्स कहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर गाइस आपने जो सा इसको कट कर लेना है। कुछ इस तरीके से कट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पे गाइस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट वाला, तो इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला गाइस आपको जो सा इफेक्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट वाला गाइस जो सा इफेक्ट है जिसके ऊपर गाइस मैंने स्टार यूज़ किया है इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर लेना है। ये जो सा होगा गाइस हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। यहाँ से गाइस आपने जो सा इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करा लेना ताकि रिलिक्स जो सा गाइस कुछ देर तक ठहर सके। अगर आपको करना क्या होगा, इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। देन गाइस आपको दोबारा फिर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको डिस्टॉर्शन एंड वाइप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आपको फैक्चर और वाइप नाम का गाइस आपको एक इफेक्ट आएगा, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये गाइस आपको ऐड करके स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर गाइस आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। ना गाइस आपको पोजीशन चूज़ करनी है, ना गाइस आपको पैरेलेक्स चूज़ करना है, आपको गाइस सीधा मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको एक डॉट यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, और एक डॉट गाइस आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद फर्स्ट वाला गाइस जो सा डॉट होगा उसको गाइस आपने ज़ीरो कर लेना है, ये ज़ीरो हो चुका है। और जो सा गाइस अगला वाला डॉट है इसको गाइस आपने -1300 कर लेना है, 1100 हो गया। तो यहाँ पे आ चुके गाइस ये 1300 के करीब, अप डाउन हो सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ से गाइस आपने इसको लास्ट के ऊपर लेके जाना है। यहाँ से गाइस आपने इसको जो सा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे इसको भी मिनिमाइज़ कर देना। देन बैक के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ पे गाइस आपको सेकंड वाला रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा फिर गाइस आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के ऊपर आ जाना है। स्टार्टिंग के ऊपर आने के बाद एक ही गाइस आपको यहाँ पे यूज़ करना है और एक ही गाइस आपको लास्ट के ऊपर यूज़ कर लेना है। फर्स्ट वाले की के ऊपर गाइस आपको इसको जो सा प्लस में गाइस आपको जो सा इसको 11 कर लेना है। तो ये 11 हो चुका है। गाइस आपको लास्ट के ऊपर की यूज़ करना है, इसको गाइस आपने माइनस में 11 कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देन गाइस आपने बैक के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इस बारी यहाँ पे आ जाती है कि गाइस आपने यहाँ पे जो सा एप्पल इमोजी वो किस तरीके से यूज़ करना है। तो एक बार गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एप्पल इमोजी जो सा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो सा किस मैंने इफेक्ट यूज़ किया है या एनिमेशन यूज़ किया है उसके ऊपर गाइस एप्पल इमोजी यूज़ नहीं हो सकता। तो मैं गाइस आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ से गाइस आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद किसी एक लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको गाइस आपने ऊपर की तरफ ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन बैक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पे गाइस मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने रिलिक्स कट किया है, दो इमोजी है वो गाइस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमोजी यहाँ पे शो ऑफ नहीं हो रहे।
तो यहाँ से कि जो समय इसकी ओपेसिटी डाउन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इमोजी कोई भी शो नहीं हो रहा। अब आपको करना क्या होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे कि आपने जो सर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ किया इसको आपने यहाँ से डेल कर लेना है। तो ये गाइस होगा कुछ इस तरीके से हमें अब नज़र आने लग जाएगा। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे जो सा फॉन्ट है वो गाइस आपको एप्पल इमोजी फॉन्ट है वो गाइस आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको जो सा फीचर वहाँ पे इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आपको मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। अब गाइस आपको एक की गाइस आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, एक की गाइस आपको थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे यूज़ कर लेना है इस जगह पे। तो यार क्या बैक आई जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे किस मैं एक की यूज़ करूँगा, आप गाइस आपको करना क्या होगा, फर्स्ट वाले की के ऊपर आना है, इसको गाइस आपने -1300 इसको भी कर लेना है, -1300 1310 हो गया। चलो तो ये गाइस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं गाइस आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो कि गाइस हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ गाइस उसी तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, अगर गाइस आपको किस तरीके से एडिट करना है तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होगा, इन दोनों को गाइस आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी टू लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपने थोड़ा सा आगे जाना है तो यहाँ पे गाइस आपने लाके इसको पेस्ट टू लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है। गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इमोजी यहाँ पे चेंज कर लेते रिलिक्स के हिसाब से। तो मैं रिलिक्स देख लेता हूँ बेचैन करके मुझे, तो बेचैन के ऊपर आई थिंक लगेगा एक ये इमोजी और दूसरा लगेगा यहाँ पे हार्ट ब्रोकन वाला, आई थिंक किधर गया ये रहा। तो ये गाइस दो इमोजी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे वाले रिलिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी ऊपर वाला बल्कि। तो यहाँ से इसको मैं कट करूँगा, कट करने के बाद इस रिलिक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, प्रीव्यू गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस जो ये रिलिक्स है ये गाइस थोड़ा लंबा है कुछ इस तरीके से। तो मैं गाइस करूँगा क्या, इस रिलिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और देखूँगा कहाँ तक गाइस हमारा रिलिक्स है। तो यहाँ पे गाइस आपने टाइमिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ से गाइस आपने इसको कुछ इस तरीके से भरा लेना है। बढ़ाने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, ये जो सा गाइस अगला रिलिक्स होगा इसके ऊपर भी गाइस आपने क्लिक करना है और सेम एज इट इज़ आपको वहीं प्रोसेस यहाँ पे भी दोहरा लेना है। मैं गाइस यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे गाइस इसको भी मैं एंड तक कर ले जाऊँगा, जितनी गाइस हमारी ऑडियो होगी उस हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। यानी कि जो सा गाइस नीचे मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया था, अगर आप मैं यहाँ पे ऑडियो जो इसकी रिमूव कर लेता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो सी होगी गाइस कुछ इस तरीके की वर्क करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक रेन शाना नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।